रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी आप लोगों ने बचपन में बहुत एंजॉय किया होगा। कोई भी जूस हो, शेक हो, उसके ऊपर हमेशा टूटी फ्रूटी की टॉपिंग की जाती है। बाजार में जो टूटी फ्रूटी अवेलेबल रहती है उसमें सैक्रीन मिलाया जाता है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो हम टूटी फ्रूटी को घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी, और इस वीडियो को देखते हुए आप भी अपने घर पे टूटी फ्रूटी आराम से बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप लोगों को कोई स्पेशल रेसिपी चाहिए तो आप उसको भी रिक्वायरमेंट में डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि टूटी फ्रूटी कैसे बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, हमने लिया है तरबूज और इससे बनेगी वो यूनिक चीज, जिसके लिए हम एज ए एंजॉयमेंट पहले इसको कट करके खा भी लेंगे और फिर तैयार करेंगे अपनी टूटी फ्रूटी। ये देखिए, तरबूज को हमने कट कर लिया है। पहले तरबूज को ही टेस्ट किया जाए। जितना मीठा तरबूज है उतनी ही मजेदार हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे आपके लिए। तरबूज को हम एंजॉय कर चुके हैं और ये है तरबूज की वेस्टेज, और इसी से बनेगी अपनी यूनिक टूटी फ्रूटी। हमने अपने सभी तरबूज के जो वेस्ट पार्ट था उसके छिलकों को अच्छे से हटा दिया है और अब इनको बारीक पीसेस में कट करेंगे। हम अपने इन तरबूज का छोटा छोटा पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने तरबूज के छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। देखने में भी काफ़ी सुंदर है। अब हम इनको पहले बॉयल कर लेंगे। पहले गैस ऑन कर लेंगे, एक बर्तन को गैस पे चढ़ा देंगे। अब इस बर्तन में करीबन आधा लीटर पानी डाल देंगे। हमने जितने भी तरबूज के पीसेस को कट किया था वो अब पानी में डाल देंगे। गैस को थोड़ा तेज ही रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। जैसे ही 5 मिनट के आसपास हो जाएंगे तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे ताकि हमारी टूटी फ्रूटी में मिठास आ जाएगी। सुगंध के लिए हम इसमें करीबन 1 से 2 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। बीच बीच में चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी पके तो एक ढक्कन से इसको ढक दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारी टूटी फ्रूटी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। कलर कितना बेहतरीन आया है। फिर भी हम इससे अलग अलग शेड की टूटी फ्रूटी तैयार करेंगे। तो फिलहाल इनको हम ठंडा करेंगे और अलग अलग बाउल्स में रख लेंगे। ये देखिए, हमारी स्वादिष्ट टूटी फ्रूटी तैयार हो गई है। अब हम इनको कलरफुल बनाएंगे। एक बाउल में हम 2 बूंद हरा रंग डाल देंगे, एक में 2 बूंद ऑरेंज कलर, एक में जाएगी 2 बूंद लाल रंग की, और एक में 2 बूंद नीला रंग। अब सबको बारी बारी से मिक्स कर देंगे तो देखेंगे रंग कैसे बदल रहा है। ये मेरा हरा रंग तैयार हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑरेंज, यहाँ पे लाल रंग तैयार हो जाएगा। और इसमें हम ब्लू कलर की टूटी फ्रूटी तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी खाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों हमारा बनाना शेक है तैयार और इसके ऊपर जाएगी अपनी टूटी फ्रूटी। तो दोस्तों देखिए टूटी फ्रूटी से जूस हमारा कैसे सुंदर दिखाई दे रहा है, अब इसको एंजॉय करेंगे।